तो काफी लोग कहते हैं समर भाई ये जो आ रही है ना ये हमें काफी क्यूट लगती है, काफी अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स देखिए भाई मैंने काफी कॉस्ट मंगाई थी, मैंने अप्रोक्स 550 रुपए की मंगाई थी, इतनी महंगी यार। और दोस्तों ये लोहा काट सकती है, लकड़ी प्लास्टिक हर चीज काट सकती है और बहुत ही सफाई से बहुत ही बारीक तरीके से इसका ब्लेड बिल्कुल तार की तरह है। तो फ्रेंड्स आज मैं इसको आपको सिर्फ 10 रुपए बना के दिखाऊंगा, 100% वर्केबल होगी फ्रेंड, इससे भी अच्छी होगी। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, इस वीडियो आपको ऐसे ऐसी टिप बताऊंगा आप बहुत इजी वे में इसे घर पर बना लोगे। चले फ्रेंड्स चलते हैं ट्रक पर। समर एक्सपेरिमेंट। तो इसे बनाने के लिए मैं एक भारी हैवी मेटल की शीट ले रहा हूँ और अगर इसके मेटल की बात की जाए तो देख सकते हैं फ्रेंड कितना इसकी मोटाई, देखिए इसकी थिकनेस 3.02 mm। और भाई जो हमने शीट ली है इसकी देखते हैं जिससे आपको अंदाजा आपको लेनी कितनी है, देखिए इसकी 2 mm। फ्रेंड्स ये भी अच्छे से काम कर जाएगी और आपके ऊपर निर्भर है, आप इससे काफी हैवी काम लेंगे तो आप चाहे तो 4 mm 5 mm तक का यहाँ पे बना सकते हो इसकी जो मोटाई है। फिलहाल दोस्तों मैं 2 mm का ले रहा हूँ जो कि काफी देखिए हैवी शीट है। तो चले भाई इसकी डायमेंशन बनाते हैं, यहाँ मैं इसकी जो चौड़ाई देख सकते हो वो ले रहा हूँ 9 mm। तो चले भाई इसकी प्रॉपर डायमेंशन जान लेते हैं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी चौड़ाई है यह है 9 mm, ठीक है। यहाँ से आगे चलते हैं 7 cm मैंने एक मार्क लगाया है यहाँ पे देखिए, फिर से आगे 1 cm मैंने मार्क लगाया, फिर से आगे फिर मैंने 1 cm मार्क लगाया, यानी कि फ्रेंड्स ये टोटल यहाँ तक हो गया 9 cm यानी कि 90 mm, ठीक है। आगे चलते हैं ये फ्रेंड 14.5 cm यहाँ से देखिए आगे से यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ठीक है सेम वही मैंने प्रोसेस हो रहा है 1 cm 1 cm और 7 cm यहाँ से यहाँ तक दोस्त 9 cm है बस, सिंपल इस पार्ट को कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल परफेक्ट शेप में ये पीस कट हुआ है और ठीक है दोस्त यहाँ तक 7 cm और यहाँ तक इसकी जो लेंथ है 9 cm है। और फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो सा है जो कि मार्केट से मिली, फ्रेंड देखिए ये किस तरह बिल्कुल परफेक्ट बैंड हो चुकी है, देखिए बिल्कुल 90 डिग्री पे अच्छे से बैंड हुई है। अब यहाँ पे दोस्त बैंड करने के 2 तरीके हैं, या तो फ्रेंड आप इस पत्ते को ऐसा ले और इसे यहाँ पर कट कीजिए जैसे एंगल ग्राइंडर से आप छोटे 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 कट मारिए, उसके बाद आप इस पर वेल्डिंग कीजिए, वेल्डिंग अच्छे से कर लिया आपने, उसके बाद देखो फ्रेंड्स वेल्डिंग थोड़ा सा उभरा हुआ है, काफी अच्छे परफेक्ट शेप नहीं दे पा रहा, तो फिर आपके अगर फिर इसे आप यहाँ पे रब करोगे ठीक अच्छे से इसे एंगल ग्राइंडर से या आप सैंडविच से रब कर सकते हो, किसी फाइल से रब कर सकते हो, जब तक फ्रेंड्स ये शेप आएगी। अब भाई ये काफी लंबा प्रोसेस है, हमें फ्रेंड ऐसे नहीं करना, हम चाहते फ्रेंड बिल्कुल ऐसी से परफेक्ट शेप दे जैसे कि दोस्त ये है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम करेंगे इसे हीट करके, तो सबसे पहले मैं आ गया हूँ वाइस पर, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप मार्क देख सकते हो जो कि 7 cm का है, इस मार्क तक से मैं यहाँ पर फिक्स करूंगा, देखिए बिल्कुल मार्क पर, और बिल्कुल जो बेंच वाइस है उसे अच्छे से टाइट कर दूंगा। तो बस भाई अभी से हलवा दिखाते हैं, इसका हलवा बनाते हैं, देखिए बस भाई बंदो होगा रेड और इसे भाई यहाँ से बैंड कर देते हैं, देखिए क्या मस्त एक बैंड हुआ है, बेफिक्र रहिए कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ हो रही है तो मैं इसे यहाँ से प्लास से थोड़ा दबा लेता हूँ, देखिए अभी थोड़ा और हीट हो जाएगा, थोड़ा कूल हो गया है। मस्त तरीका है रे बाबा, हो गया भाई कामयाब, बिल्कुल परफेक्ट शेप अभी आ जाएगी, बेफिक्र रहिए। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल परफेक्टली अभी बैंड नहीं हुआ है, देखिए थोड़ा सा देख सकते हैं थोड़ा सा उभरा हुआ है, हमने थोड़ा सा जबरदस्ती बैंड किया है, तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा देखिए बस आपको पिटाई कर देनी है इसकी मोहब्बत से, वो भी देखिए भाई अब जाकर फ्रेंड्स बिल्कुल परफेक्टली बैंड हुआ, देखिए कहीं से कोई भी उठाव नहीं है, कहीं से कोई भी कटाव नहीं है, और देखिए बिल्कुल परफेक्टली बैंड हुआ है। इसी तरह फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखिए दूसरी साइड भी बैंड कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स देखिए दोनों मैंने बिल्कुल परफेक्ट शेप दे दिया है यू टाइप का, और देखिए फ्रेंड्स कोने देखिए आप जो फ्रेंड्स के बैंड है देखिए बिल्कुल शेप में है, जबकि फ्रेंड्स आप जो मार्केट से बने हुए देखिए इसमें देखिए थोड़े से आप यहाँ पर निशान दे सकते हो, मार्क देख सकते हो बैंड हुए देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये मशीन से बैंड हुए हैं, और फ्रेंड्स ये देखिए आपके सामने बिल्कुल लाइव बैंड हुए, देखिए बिल्कुल भी कोई भी निशान नहीं है, देखिए बिल्कुल परफेक्टली बैंड हुए हैं। अब फ्रेंड्स मुझे अच्छा ही लगता है कि भाई ये तो चमक नहीं रहा है, तो कलवा था और भाई ये चमक है जो मार्केट है, तो फ्रेंड्स हमने इसे भी अच्छे से फिनिश कर दी, इसे अच्छे से रब किया और भाई देखिए ये चमकुलाल बन गया। तो चले फ्रेंड्स अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स जो ब्लेड होल्डर है जो फ्रेंड देखिए इस ब्लेड को रोक रहे हैं,
ये हमें इसके क्लिप टाइप के बनाने हैं। अब काफी लोग सोच रहे होंगे समर बिल्कुल सेम बनाते हैं, नहीं यार सेम नहीं है बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पहले देखिए, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितना फर्क है, देखिए अप्रोक्स 2 सेंटीमीटर का फर्क है। तो फ्रेंड्स ये मुझे काफी छोटी लगती है और ये मुझे थोड़ी बड़ी बनानी थी, फ्रेंड्स मैं खुद इसका पर्सनली यूज कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसके ब्लेड होल्डर बनाते हैं जिन्होंने इस ब्लेड को रोक रखा है। तो भाई सेम मैं इसी शीट का यूज करूंगा जिससे फ्रेंड्स थोड़ा टाइम बच जाए और ये काफी स्ट्रॉन्ग शीट भी है। तो लीजिए फ्रेंड्स मैंने कुछ यहाँ पे डायनासोर टाइप का एक डायग्राम बना दिया है, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, वो बात आपके समझ में आ ही जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से देखिए ये है 12 mm, यहाँ से इस तरह देखिए फ्रेंड्स की लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 25 mm, ठीक है। इसकी जो फ्रेंड्स यहाँ पे लेंथ देख सकते हो ये है 28 mm, ये है 9 mm, यह 15 mm देख सकते हो और ऐसे सेम 12 mm 12 mm। और फ्रेंड्स ऐसे मैंने सेम यहाँ पर मार्क लगा दिया है, लेकिन दोस्तों ये देखिए बिल्कुल लंबा जा, देखिए 13 सेंटीमीटर का। ये फ्रेंड्स मैंने क्यों लिया है ये आपको अभी पता लग जाएगी। तो फिलहाल मैं इस ब्रिज टाइप को जो लग रहा है कट कर लेता हूँ। तो लीजिए गाइस ये बन चुके हैं और देखिए फ्रेंड्स ये तो एक तरह का ढिशुम ढिशुम मतलब गन का इफेक्ट लगना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं आप समझते रहे हो। देखिए फ्रेंड्स ये लंबा क्यों बनाया और ये छोटा क्यों बनाया ये बात आपको बिल्कुल जस्ट अभी पता लग जाएगी। तो भाई लेते हैं पीस। देखिए फ्रेंड्स इसे हमें यहाँ लगाना है, मैं ऊपर से दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे इस तरह से ये लग जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आ रहा है ना बिल्कुल लुक सेम सा जैसा, देखिए ये रहा देख सकते हो। अब फ्रेंड्स हमें करना क्या है, अब इसे हमें रोकना है। भाई यहाँ से होल्ड कैसे होंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें होल्ड करना, तो भाई यहाँ पर करने में एक होल इत्थे और एक इत्थे, वो काम करते बीच फ़ोन आ जाता है, बड़ी दिक्कत होती है। और फ़ोन कर दिया मैंने कट, काम पे चलते हैं, यहाँ मार दिया और अंदर से मार दिया, दिक्कत वाली बात थोड़ी है। इसे कहते हैं सेंटर पंच, इससे फ्रेंड बिल्कुल इक्वल होता है जहाँ पर आप करना हो, ब्रिज जो फिसलता नहीं है। देखिए बाबा ये रहा छेदी सिंह, उस पर करते होल। मैं 103.175 mm का बिट ले रहा हूँ, काफ़ी हैवी शीट है इसलिए थोड़ा टाइम लगा होल करने में, लेकिन हो गया। भाई इसको लेते हैं और फटाफट इसको देखाते मार्क लगा देते हैं और ये रखना आगे की साइड। बात तो लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट होल हो चुके हैं और भाई अब जो होल करना रह गया है, तो भाई इन्हें रोकेंगे यहाँ पर कैसे, ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो दो तरह के रिवेट हैं, आप तो छोटे नन्हे मुन्ने आप डेडबोल्ट का भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल देखिए ये एल्युमिनियम के हैं जो कि देख सकते हो ये वाले अलग है और ये आयरन के लोहे के हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, बहुत जल्दी ढीले हो जाएंगे, कैरेक्टर ढीला इनका, जैसे साइड रखते हैं तो इनका ही हम यूज़ करेंगे। ये भाई साहब बिल्कुल है बाहुबली। लीजिए गाइस ये बन चुके हैं मजबूती की मिसाइल, मतलब मिसाइल। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर, और यार एक बात बताना आपको भूल गया, देखिए फ्रेंड अगर आप छोटे छोटे पर देखिए छोटे छोटे गड्ढे देख सकते हो यहाँ पर छोटे छोटे, अगर आपको दिख रहे हो शायद ये फ्रेंड इसलिए दिख रहे हैं भाई, इस पर चोट बजाई है, पिटाई की, इसकी बेचारे पर थोड़े निशान पड़ गए, थोड़े जगह गहरे पड़ गए हैं। तो फ्रेंड अगर यहाँ पर मैं 3 mm की शीट लेता जो कि मैं आपको दिखाता पहले, तो फ्रेंड मैं अच्छे से रब करके बिल्कुल स्मूथ बिल्कुल चिकना करता, बिल्कुल प्लेन सरफेस की कर देता, लेकिन आप चाहे तो थोड़ा मोटा ले सकते हो, यहाँ पर 4 mm का ले सकते हो, तो बिल्कुल से घिस के यहाँ पर इसके जितने भी यहाँ पर गड्ढे से मिटा सकते हो, फिर भी हमें इससे कल मतलब ये अच्छा काम करनी चाहिए। तो भाई पहले देख लेते हैं कि इसमें ब्लेड अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रही, देखिए तार जैसा ब्लेड है और देखते हैं, वाह ठीक आ रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने बिल्कुल यहाँ पर मेजर के इसकी अच्छे से कटिंग की है। देखिए देखिए फ्रेंड इसका रोकेंगे कैसे, इसे रखते हैं साइड में और देखिए ये फ्रेंड छोटे छोटे पीस हैं, तो ये छोटे मैंने पीस कट किए इसके बिल्कुल इक्वल, तो यहाँ मैं इसे रखता हूँ। देखिए अब फ्रेंड्स हमें इसे इस तरीके से करना है कि भाई हम इसे खोल भी सकें और लगा भी सकें, यानी कि फ्रेंड परमानेंट लगा लें, क्योंकि दोस्तों हमारा जो ब्लेड होता है ये वाला फ्रेंड्स ये बहुत जल्दी टूट जाता है, बस हल्का से आपसे मिस्टेक हो ये टूटा, ठीक है ना, बहुत बारीक ब्लेड होता है, तो इसे ऐसा करना दोस्तों इसे जब मर्जी हम लगा सकें या ब्लेड को बदल सकें। तो फ्रेंड्स यहाँ कुछ अलग से हम करने वाले हैं, तो भाई पहले देखते हैं ब्लेड हमारा कहाँ तक की पहुँच है, ब्लेड की मुख्यमंत्री तक की पहुँच है इसकी, देखा जाए तो यहाँ तक इसकी खुद ही चीप है, तो भाई यहाँ देखिए अप्रोक्स यहाँ मान लेते हैं ए मारा और एम मारा, यहाँ पे होल कर देंगे तो हमारा कहाँ बिगड़ जाएगा रे फ्रेंड, यहाँ तक तो आप इसे बना लोगे, लेकिन दोस्तों इन्हें जो रोकने का तरीका है ये फ्रेंड बहुत मेन टॉपिक है इस वीडियो का, तो प्लीज बने रहिए। यहाँ पे मैं 1.5 सूत का एक बोल्ट ले रहा हूँ और देखिए
यहाँ पे लगाएं, ये लूज होना चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हमें इसे लगाना ढीला। अब देखिए फ्रेंड्स, सपोज कीजिए इसमें भी एक होल कर दूं सेम टू सेम, जैसे कि इसमें सामने, और यहाँ पे जो नट बोल्ट टाइट कर दूं, तो भाई ब्लेड रुक जाएगा, तब भी रुक जाएगा, लेकिन फ्रेंड मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसी का मैं नट बना दूं, ठीक है, जिससे दोस्त इसमें डायरेक्ट कस जाए, इसमें टाइट हो जाए। यहाँ पे होल करने के बाद मैंने सेम इस पे भी होल के लिए तो पीस मैंने ली थी। अब दोस्तों इसमें बनेंगे हम चूड़ी, थ्रेडिंग कहते हैं इसे। अब क्योंकि यहाँ पे मैं डेढ़ सूत का एक बोल्ट ले रहा हूँ फ्रेंड, मुझे डेढ़ सूत का यहाँ पे एक टैप लेना है, इसे टैप कहते हैं, कोई टैप कहता है, टैपिंग टूल है जो फ्रेंड यहाँ पे चूड़ी बनाने के काम आएगा। जी भाई होगी आपकी चूड़ी तैयार, बन गया नट, और यहाँ पे मैंने दोनों में कर लिया है। चलिए फ्रेंड ट्राई करते हैं, देखिए बिल्कुल ओके परफेक्ट, आके देखते हैं, हाँ बिल्कुल फिट आ रहा है। फ्रेंड्स प्रॉब्लम यह है कि भाई हर बार इसे हम पेच करेंगे कि स्क्रू ड्राइवर लेके से टाइट तो नहीं करेंगे फ्रेंड, ऐसा होना चाहिए भाई इसे हम हाथों से खोल सकें और ऐसे लगा सकें, यानी जैसे आप इसमें देख सकते हो इसे आप ऐसा खोल भी सकते हो और यहाँ पे इसे टाइट भी कर सकते हो। तो मैं दो बोल्ट ले रहा हूँ, डेढ़ सूत एक इंच के, और यह वाशर, तो फ्रेंड इन वाशर को इस पर इस तरह से रोकना है, देखिए क्या मस्त तरीके, देखिए बिल्कुल फिक्स हो गया, लेकिन भाई इतने से रुकेगा नहीं, इसमें फ्रेंड्स हमें कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने और भी ज़्यादा डीप कट मार दिए हैं, तो अब ये आसानी से इसके अंदर फंस के चले जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे चोट लानी पड़ेगी, देखिए इस तरीके से, और मैंने कट किससे मारे हैं, कट मैंने इस आरे से मारे हैं, देखिए। तो देखिए गाइस क्या मजबूत तरीके से रुक चुके हैं, मैंने बिल्कुल ठोक के ना बिल्कुल टाइट कर दिए, लेकिन फिर भी क्या मस्त सोल्डिंग हुई है और काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये दोनों बन गए हैं, और मैंने इन्हें कट भी कर दिया है। चलिए भाई इन्हें यहाँ पर लगा के देखते हैं, देखिए बहुत अच्छी पकड़ आ रही है, बहुत अच्छी ग्रिप है, देखिए फ्रेंड्स मैंने टाइट कर दिया, देखिए ये एक तरह का नट है, और देखिए आप इसे कितना टाइट कर लोगे फ्रेंड्स, यहाँ फंस जाएगा और लूज, अब देखिए मैं इसे खोलता हूँ, देखिए खुल जाएगा और टाइट कर दो, देखिए टाइट हो गया, तो यहाँ पे ये इससे रोका रहेगा, ये घूमेगा नहीं। लीजिए फ्रेंड्स ये बन चुकी है, अब आते हैं दो इसके बेटे पर, ये बाप है इसका बेटे पर आते हैं, यानी कि इसके हैंडल पर आते हैं। तो फ्रेंड वैसे तो आप चाहो तो भाई किसी भी लकड़ी का बना सकते हो, जो भी मजबूत लकड़ी हो और अच्छे से इसमें फिटिंग आ जाए, लेकिन हम ज्यादा मेहनत ना करके, देखिए फ्रेंड्स ये मैं बैटर लेकर आऊँ, आप मैंने बताया ना किसी भी लकड़ी का बना सकते हो, मैं थोड़ा वक्त बचाने के लिए आपका भी और अपना भी, मैं फ्रेंड इस बैटर का यूज करूंगा। तो मैंने इसे इतना कट कर लिया जिससे फ्रेंड्स अच्छे से मेरे हाथ में ग्रिप आ जाए, लेकिन फिर मैं आपको इसके डायमेंशन बता दूं, तो ये है अप्रोक्स 10.5 सेंटीमीटर का। तो फ्रेंड्स ये बेटा वैसे तो ठीक है, अच्छे से ग्रिप आ रहा है, लेकिन फ्रेंड मैं थोड़ा सा डिजाइन करने के लिए थोड़ा सा बीच में से हल्का कर लूंगा, यानी थोड़ा सा पतला कर लूंगा। लीजिए फ्रेंड्स देखिए मैंने काफ़ी कोशिश की है इसे बेहतर बनाने की, फ्रेंड्स मैंने ज़्यादा पतला इसलिए नहीं किया, ग्रिप अच्छे से हाथ में नहीं आ पाती, और ये काफ़ी पहले से स्मूथ है, बहुत ही चिकना हो चुका है, आपके हाथ में नहीं लगेगा। यहाँ पे मैंने दो तरह के होल किए हैं, ये थोड़ा बड़ा होल है अप्रोक्स 12 mm का, और ये देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पर यानी कि 6 mm का। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसलिए इसे लंबा बनाया था जिससे तो उसके अंदर यहाँ पर बिल्कुल फिक्स हो चुके, देखिए, और मैं इसे यहाँ पर ठोक कर अंदर कर दूँगा, देखिए यहाँ पर ये पार आ चुका है। चाहे तो फ्रेंड वो थोड़ा निकाल के इसे आप थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ना निकले, लेकिन मुझे लग रहा है फ्रेंड काफ़ी मजबूत तरीके से ठुक चुका, और ये बैटा फट सकता है लकड़ी का है, यहाँ पर फ्रेंड्स एक वाश टाइप का मुझे बनाना पड़ेगा, लेकिन ये इतना इनफ है। तो लीजिए फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो चुकी है, काफ़ी मेहनत तो लगी लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है बनाने के बाद, और फ्रेंड्स ये अभी चमक दे रही, थोड़ा सा इसका वाने यानी कि पॉलिश कर देते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स पॉलिश इस पर हो चुकी है, चले फ्रेंड्स 10 मिनट के लिए मैं डायरेक्ट सनलाइट में रख देता हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से ड्राई हो चुका है, देखिए, और फ्रेंड्स मुझे बताइए प्लीज इसका लुक आपको कैसा लग रहा है, देखिए। चले फ्रेंड्स फटाफट टेस्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों ये ब्लेड पे लगा लेते हैं। फ्रेंड्स ये ब्लेड सब कुछ काटते हैं, प्लास्टिक, लोहा, मेटल, कुछ भी चीज आप इससे काट सकते हो। फ्रेंड्स इस ब्लेड को लगाना बहुत ईजी है, मतलब आप आसानी से लगा सकते हो, कभी भी लगाइए, कभी भी निकाली देगी, इसे इस तरह से कीजिए, यहाँ पर लगाइए, बस आपको ये देखना दोस्त की डायरेक्शन कौन सी तरफ आप इसे रखना चाहोगे, देखिए ये हो गया, यहाँ से टाइट आप आते हैं दो साइड, यहाँ से यूज़ कर लेते हैं, और लीजिए भाई देखिए सही हो गया, कर दो टाइट, लीजिए फ्रेंड्स ब्लेड लगकर तैयार हो गया है। चले फ्रेंड्स मैं आपको सबसे पहले बोल्ट जो कि देख सकते हो काफ़ी हैवी बोल्ट है, इसे कट करके दिखाता हूँ। वाह देखिए बिल्कुल मस्त कट रहा है, इसके आप आवाज़ भी सुन सकते हो, ठीक है, देखिए कितनी आसानी से बोल्ट कट कर दिया। यह पीवीसी का पाइप जिसे मैं एक तरह कट करता रहता हूँ, देखिए
देखिए दोस्त क्या मजे से कट कर दिया। देखिए तो फ्रेंड्स मैं आपको हर चीज टेस्ट करके कहता हूँ, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, मतलब उसमें मैंने आपको मेटल भी कट करके दिखा दिया, प्लास्टिक भी कट करके दिखा दिया। चले फ्रेंड्स मैं आपको वुड कट टुकड़ा और कट करके दिखाता हूँ। देखिए लकड़ी तो फ्रेंड मक्खन की तरह कट जाती है, वो होता है ऐसे काट दी। और दोस्तों इसका जो मेन काम होता है डिजाइन का होता है, देखिए यहाँ से मैंने ऐसे कट किया और देखिए इस तरह से घुमा दिया। देखिए तो फ्रेंड्स मैंने आपको लोहा लकड़ी प्लास्टिक सब कुछ काट के दिखा दिया और इसका ब्लेड आप आसानी से देखिए यहाँ पे निकाल सकते हैं, निकाल दिया और देखिए यहाँ से क्लोज करना और ब्लेड निकल गया और आप इसे अच्छी तरीके से कोई सा ब्लेड से चेंज कर सकते हो। फ्रेंड्स आई होप ये होममेड ज्वेलरी सा आपको अच्छी लगे। तो फ्रेंड्स काफी मजबूत भी है और दोस्तों लंबे समय तक चलेगी, बहुत सस्ती बहुत चीप बन जाती है और बहुत आसानी से बन जाती है। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें और दोस्तों मुझे भी बताएं आपकी जुगाड़ कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।